वेलकम बैक। आज के दिन हम लोग कैट नैप की सैड ओरिजिन स्टोरी को पता करेंगे। ये वीडियो हॉरर स्कंक्स चैनल ने बनाई है, तो चलो शुरू करते हैं। यो दोस्तों, ये देखो हमारा खतरनाक सा ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट हो चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये क्या, ये तो कैट नैप है ब्रो। ये कितना क्यूटू क्यूटू लग रहा है। ठीक है ठीक है, हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ओके, तो वो दोनों इसके पेरेंट्स से मेरे ख्याल से। और भाई मम्मी कितनी ब्यूटीफुल है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग इसे चलने देते हैं। तो उसके पेरेंट्स अपने बेटे को डांट रहे हैं क्योंकि उसका बेटा शायद दिन भर सिर्फ खिलौनों से खेलते रहता है। ये 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 तो रो रहा है दोस्तों। अबे नल्ले बच्चे, रोना बंद कर वरना मैं रैप्टा मारूंगा। ऑलराइट, तो ये शायद अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि उसने कैसे कैटनैप को खरीदा था, उसे पाला था। बेसिकली उन्होंने सेम तरह का नेकलेस पहना है। और भाई ये कैटनैप सही में बहुत एडोरेबल लग रहा है। वैसे एडोरेबल का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, ये कैटनैप वैसे जिंदा है दोस्तों। अबे नल्ले तूने मार दिया, ये तो सो सैड हो गया दोस्तों। आए, अब दोनों हंस रहे हैं, मैं भी हंस लेता हूँ। निकल लो। ऑलराइट, ये अपने पेरेंट्स को बोल रहा है आई हेट यू। उसने भी मेरे को ऐसा ही बोला था। अच्छा ठीक है, कैटनैप पे फोकस करते हैं। यो, अबे ऐसा मत करो, ये फट जाएगा, इसका फट जाएगा। हाथ, बेसिकली हाथ की बात कर रहा हूँ मैं। यो कैटनैप, अच्छा ये जो है कैटनैप इस लड़के का बेस्ट फ्रेंड है। ओके, अबे दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। इस लड़के का बाप तो बहुत बेकार आदमी है, उसने कैटनैप को बाहर फेंक दिया। यो, वो उसने बाहर फेंक दिया क्योंकि उसका नल्ला बच्चा दिन भर सिर्फ खिलौने के साथ लगा रहता था। पर दोस्तों ये कैटनैप के साथ मोए मोए हो गया। वैसे मेरे को दोस्तों काफी दया आ रही है इस पे। अ कपल मंथ्स लेटर। ओके, अब हम लोग काफी दिनों बाद की फुटेज देख रहे हैं। आई, इसकी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अबे ये तो बहुत दगेबाज है, इसने कैटनैप को भूल दिया इतनी जल्दी। ये कैटनैप को भूल गया और ये नए खिलौने के साथ अब खेल रहा है। भाई ये बहुत गंदा बच्चा है दोस्तों। कैटनैप ये सब देख के काफी सैड हो रहा है। इसने अभी भी वो नेकलेस पहना है जो कि कैटनैप ने पहना है, और कैटनैप ये देख के खुश हो गया। नाइस, ये एनिमेशन, ये सैड ओरिजिन स्टोरी वैसे मस्त तो है गुरु। ये क्या हो रहा है, कैटनैप शायद घर के अंदर आ चुका है। और कैटनैप, ये दोनों चिल्ला रहे हैं। कैटनैप, ये ब्रो तुम सुट्टा क्यों फूंक रहे हो? ऑलराइट, कैटनैप शायद से यहाँ पे कोई पॉइजनस गैस रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से इस बच्चे के पेरेंट्स मर गए। ओके, कैटनैप ने बेसिकली इन दोनों को मार दिया और फिर ये दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। ऑल राइट दोस्तों, ये देखो अब हम लोग एक प्यारी सी बर्ड की भी स्टोरी को देखने वाले हैं। और एक सेकेंड, ये प्यारी सी बर्ड तो बारिश में भीग रही है दोस्तों। वाओ, रिम झिम बारिश में ये भीग रही है। सो सैड हो गया दोस्तों। तो शायद से ये बच्चा इसे बचाने वाला है। ये तो वही नल्ला बच्चा है दोस्तों जो हमने कुछ देर पहले देखा था। ऑलराइट बच्चे, चल बचा ले इसे। आए, ये कौन सा हिब्रू लैंग्वेज था दोस्तों? आई डोंट नो, ये हरप्पन लैंग्वेज था, हिब्रू, आई डोंट। ये कौन सा लैंग्वेज है? ओके, इस बच्चे ने चिड़िया ला दिया है घर पे। और ये हम लोग उसे खिला रहे हैं। ये एक सेकेंड, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? आई डोंट नो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
ओके तो हम लोग उसके साथ खेल रहे हैं। ये फनी है गुरु। मैं रैप्टा मार दूंगा, मुंह से गुटका निकाल के बात कर। ये क्या होता है? ऑलराइट, तो ये दोनों लोग एकदम मस्त दोस्त बन चुके हैं। और इस वाले वीडियो में दोस्तों मम्मी ब्यूटीफुल नहीं है, पिछले वाली की बात अलग थी। पूछा किसी ने ये क्या है? ये भी एक खिलौना है शायद से, पर ये जिंदा नहीं है मेरे ख्याल से। आए न्यू 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 ये ओके। ये लोग बेसिकली खेल रहे हैं दोस्तों। और ये क्या, ये दोनों अब किसी फोटो शूट पे आए हैं। ये चीज, ये कौन सा फोटो का पोज है? ये आई डोंट नो कैसा पोज है, पर कोई नहीं, हमें मजा आ रहा है। ये फनी फोटो है। ओके तो अब दोनों बड़े हो चुके हैं। और ये नल्ला अभी भी बच्चों वाली हरकत कर रहा है। ये क्या है? ऑलराइट ये दोनों अभी भी काफी अच्छे दोस्त हैं। और ये उसे स्टोरी पढ़ के सुना रहा है। ये यार सही में ये स्टोरी, अगर हम लोग जोक मजाक मस्ती को साइड में रख दे तो सही में ये स्टोरी काफी मजेदार है। आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो जल्दी से। हाँ ये कर लो पहले। ये तो अब मेरे ख्याल से ये बंदा शायद किसी जॉब अप पे जा रहा है और चिड़िया भी उसके साथ जाना चाहती है। और शायद से इसका नाम ओपिला वर्ल्ड है मेरे ख्याल से। ऑलराइट ओपिला वर्ल्ड, नाइस नेम। ओके ये भी जाना चाह रहा है बाहर और चिड़िया भी उसके साथ जाना चाह रही। ये क्या, इसके घर पे पुलिस फोर्स आ चुकी है। This bird does not belong to you. You have to take it back to its real owner. ये सब बोल रहे हैं कि ये बर्ड इसकी नहीं है, ये बर्ड किसी और की है, तो ये सब वापस ले जा रहे हैं इस बर्ड को। ये बर्ड पर जाना नहीं चाहती है। ओपिला बर्ड तुम मत जाना वहां से। ये भी रो रहा है दोस्तों। मैं भी रो रहा हूँ, तुम लोग लाइक करो ताकि मैं ना रोऊ। ये गलत है मां। ओके तो ये दोनों अब शायद से बिछड़ रहे हैं दोस्तों। ये दोनों अब शायद एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्योंकि ये बर्ड अपने ओरिजिनल ओनर के पास जा रही है। ये तो ये लोग एक आखिरी बार भी खेल रहे हैं। ये नाइस। हरी अब तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जल्दी करो, हमें बर्ड को ले जाना है। ओके वैसे दोस्तों ये देखो, ये जो ओपिला बर्ड है ये सही में इसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम समुंदर जैसा। पर उसकी आंखें की बात ही कुछ अलग है। ऑलराइट ये तो ये लोग अभी भी खेले जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ओपिला बर्ड यहाँ से जाने वाली है। ये एक स्वीट हग होने वाला है दोस्तों। ये ओके अबे वो तो हग करने जा रहा था, तूने पोपट कर दिया उसका। ओके तो इस तरह से वो दोनों बिछड़ जाते हैं और इसकी एक सैड एंडिंग हो जाती है। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको ये शानदार सी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक लाइक न किया हो तो यार अब तो लाइक कर दो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पीस।